मध्य प्रदेश सरकार भले ही शुद्ध को लेकर युद्ध अभियान चला रही हो, लेकिन विदिशा में आज भी कई जगह पर खाने पीने की चीजों को लेकर लापरवाही बरती जा रही है। विदिशा के मशहूर प्रेमी नमकीन पर एमपी न्यूज ने जो खुलासा किया उसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। विदिशा में सालों से प्रसिद्ध नमकीन जो लोग बड़े चाव से खाते हैं उसकी असलियत देखकर आप भी हैरान हो जाओगे। एमपी न्यूज की टीम ने खुद नमकीन बनाने वाली जगह का निरीक्षण किया तो पांव तले जमीन सरक गई, जहां प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने छापेमारी कर सैंपल लिए। ये आपसे मेरी फोन पे बात हुई थी, मैंने आपका फोन पे सूचना दी थी, आपने मेरे को बोला था एड्रेस के बारे में, शायद आपके पास रिकॉर्डिंग ना हो, मेरे पास रिकॉर्डिंग उपलब्ध करा दूंगा। ये मैंने आपको एड्रेस बताया था उस जगह का जहाँ पे आपको जाना चाहिए था, मोहन नमकीन भंडार, जहाँ पे डुप्लीकेसी के प्रोडक्ट बन रहे थे। ये मैंने आपको एड्रेस कन्फर्म करा था, कार्य योजना निर्धारित थी, आपने बताया जी, बताया था मैंने आपको कि पहले वहाँ जाना चाहिए था। मैडम ये आपके सामने ही आपके तहसीलदार यहाँ पे डिपार्टमेंट की हैं, इनको मैंने और आपको दोनों को फोन पे सूचना दी थी, दोनों को एड्रेस मैंने बताया था, बट वो आप वहाँ ना जाके पहले इधर नहीं, शिकायत का पॉइंट हमें नहीं बताया गया था। शिकायत जो प्राप्त हुई थी विदिशा में, इस संबंध में हमें एसडीएम महोदय के निर्देशन पे हम कार्रवाई के लिए आए हैं। चलिए, बाकी आपको जो फोन पे शिकायत दी गई थी आपको वो आपको जगह के बारे में हमें नहीं बताई गई थी जी, इनको भी मालूम है। अब कहीं ना कहीं सरकारी अधिकारी भी पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब उनको जवाब देना मुश्किल हो रहा है कि कहां कार्रवाई की खबर मिलती है और कहां कार्रवाई के लिए छापा मार दिया जाता है। देखना दिलचस्प होगा कि जो डुप्लीकेसी वाला केस है जो कि हमने भी संज्ञान में मैडम को दिया है, आशा करते हैं कि मैडम उस पर कार्रवाई करें और कहीं ना कहीं जनहित के लिए जो अपना कार्य है उसको वो निभाएं। कैमरामैन मनोज परिहार के साथ एमपी न्यूज के लिए हर्ष त्रिपाठी। यहाँ फूड एंड सेफ्टी नियम को ताक पर रखकर कारखाना चलाया जा रहा था, चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा है। अभी हम हैं विदिशा के फेमस प्रेमी नमकीन, जो कि काफ़ी सालों से कभी प्रतिष्ठित ब्रांड माना जाता है, विदिशा का प्रेमी के नमकीन के यहाँ पे प्रोडक्शन होता है, प्रेमी के नमकीन का यहाँ पे उद्योग जो उन्होंने लगाया हुआ था नमकीन का। देखिए उसकी हालत, एक तो सबसे बड़ी चीज़ आपको दिखा सकते हैं, ये मेरे सामने जो रैपर हैं, ये जो आलू के चिप्स प्रेमी के नमकीन पे मिल रहे थे, देखिए A1 जो पन्नी का पैकेट है इसको फाड़ फाड़ के चिप्स बेचे जा रहे थे, जो कि आप लोगों के बीच बताया जा रहा था कि ये जो नमकीन के पैकेट हैं ये इनका खुद का बनाया हुआ नमकीन है। ये देखिए मिश्री नमकीन जो कि एक इंदौर का ब्रांड है, देखिए इंदौर का है, इसको खाली करा हुआ, देखिए मैं और दिखाता हूँ आपको, इधर कैमरा मैन से बोलूँगा जिसको दिखाएं, ये देखिए पूरी पन्नी, ये पूरी बोरी के अंदर भरा हुआ है ये पूरा माल, ये देखिए अगर आप निकालेंगे तो ये नमकीन, ये चिप्स, ये सभी चिप्स दूसरी कंपनियों के चिप्स थे जिनको कि आप क्या बोल सकते हैं कि बनाया कैसे जा रहा था या इसमें क्या कुछ मिलाया जा रहा था ये तो भगवान ही जाने। इसकी साफ सफाई की बात करेंगे, देखिए साफ कैमरा मैन इधर दिखाएं तो ये वो नमकीन है जो आप लोगों को प्रसिद्ध था, ये देखिए ऊपर तक जूम करके अगर दिखाएंगे तो कहीं से कहीं तक मतलब खाने की स्थिति में नहीं है। यहाँ पे कढ़ाई जो चल रही है ये देखिए, कढ़ाई के बाद अगर आप इधर आएंगे तो देखिए ये यहाँ से जो डीजल सप्लाई होता है, डीजल की भट्टी होती है यहाँ से निकलता है, ये रखा हुआ है, ये मुख्य फ्रायर है इनका, ये कढ़िया है, कैमरा मैन अगर दिखा पाए तो ये देखिए यहाँ पे तेल गर्म हो रहा है, यहाँ से नमकीन निकलता है, पर इसकी टंकी की हालत दिखाओ, मतलब टंकी कैसी हो रही है ये देखिए, आपको साफ सफाई का अंदर लगा सकता है, इधर आएंगे बाकी ये कुछ है मटेरियल, ये देखिए काला तेल क्या है ये, अब बाकी जानेंगे कुछ, शायद गंदगी, बिल्कुल गंदगी का अंबार, लाइट कभी भी, ये देखिए ऊपर आप हालत, चारों तरफ चारों कोनों में मतलब दीवार जो है चिपचिपी और जल चुकी है, फ्रायर भी अगर देखें, देखिए फ्रायर भी देखिए इनके लगे हुए हैं, सालों पुराना प्रेमी नमकीन जो काफ़ी चाप से खाया करते थे आप उसकी असलियत, आज खाद्य विभाग ने यहाँ पर सैंपलिंग की है, हवा बोला है, अब उनके सैंपल तो आते रहेंगे आए चाहे ना आए, पर कहीं ना कहीं मतलब जो चूक हो रही है हमारे और उसके बीच, मैं एमपी न्यूज़ के माध्यम से हमेशा दिखाना चाहता हूं कि हम जिस चीज़ का पैसा दे रहे हैं वो अदा होती रहे। कैमरामैन मनोज परिहार के साथ एमपी न्यूज़ के लिए विदिशा हर क्षेत्र।